जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको छत्र योग के बारे में बताने जा रहा हूं। छत्र योग का निर्माण कैसे होता है? यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, ये पांचवां स्थान है, पांचवां भाव है, इसमें कोई भी राशि हो, उस राशि के अंदर शुभ ग्रह बैठे हो, उस राशि के हिसाब से कोई शत्रु ग्रह न हो या इस भाव को कोई शत्रु ग्रह न देख रहे हो, पंचम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह देख रहे हो, पंचम भाव का मालिक अस्त न होकर उदित होकर किसी भी भाव में उत्तम स्थान में बैठा हो, उत्तम स्थान में बैठा हो, तो इससे छत्र योग का निर्माण होता है। छत्र योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति ऐसा जातक संसार के सब सौभाग्यों से युक्त, संतान सुख वाला, धनी, यशस्वी, बुद्धिमान, उत्तम भाषण करने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि, जिसको बहुत स्मृति हो, जिसके विचार में उत्तम बुद्धि की नवीन बातें जागृत हो, राजा का मंत्री होता है, ऐसे व्यक्ति को राजा या सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। संक्षेप में पंचम भाव और पंचम भावेश के शुद्ध जाने से पंचम भाव संबंधित सब सुख प्राप्त होते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवे। जिसने कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश, जय मां भारती।